दोस्तों, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं तो आप पंचम पब्लिशर की तरफ से ये ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑफ़र आपके लिए रखा गया है, खास करके एडुजू सब्सक्राइबर के लिए, जो कि यहाँ पर 150 रुपये की पुस्तक आपको सिर्फ 25 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और 10 वन लाइनर सेट होंगे, ठीक है। जिस ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, पुलिस की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर CHSL, CGL, SSC, CGL, CPO, ये जो आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे वो IB के एग्ज़ाम्स हो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक साबित होगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप परचेज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में या फिर PDF डाउनलोड होने के बाद भी किसी तरह की आपको अगर इस बुक में कोई दिक्कत आती है, तो आप पंचम पब्लिशर के इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। वेलकम टू एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 2019, जिसमें जनवरी दूसरे सप्ताह यानी सेकेंड वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो भी टॉप प्रश्न होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आगामी जो भी परीक्षा, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो देखेंगे, सेकेंड वीक यानी जनवरी दूसरे सप्ताह का जो पहला प्रश्न है, यह है केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर व गुजरात में एक एक एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है। यानी जम्मू कश्मीर और गुजरात दोनों में एक एक एम्स बनेगा, इसकी मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक है। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर व गुजरात में एक एक एम्स बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सू सेंग चांग, ठीक है। ताइवान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सू सेंग चांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो ने लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो, ये लगातार दूसरी बार बने हैं। याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि वेनेजुएला की जब बात हुई है, तो वेनेजुएला के जो कैपिटल है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है काराकस, ठीक है। काराकस जो है वो वेनेजुएला की कैपिटल है, यानी यहाँ की राजधानी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा संस्थान ने प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किए जाने की में सफलता हासिल की है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने, जो कि एक शिक्षा संस्थान है, और इसने स्पेस फ्यूल तैयार करने में सफलता हासिल की है, स्पेस फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस पशु रोग से निपटने के लिए एलिजा किट लॉन्च किया है? एलिजा किट जो है किसने लॉन्च किया है? पहले तो ये जानना है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, और संक्रामक अनीमिया से निपटने के लिए एलिजा किट का जो है वो लॉन्च किया, एलिजा किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मिस्र, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर का नाम क्या है? तो इनका नाम है भावना कस्तूरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर है। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल, इसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019, इसके मुताबिक भारत का स्थान पूछा जा सकता है आपसे? तो भारत जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 79वें नंबर पर है, यानी 79th पोजीशन पर है, और इसी इंडेक्स के मुताबिक जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाला देश है उसका नाम आपको बताना, यानी नंबर 1 पोजिशन पर कौन है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लगातार 7 साल से दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है विमान निर्माता कंपनी बोइंग। बोइंग लगातार 7 साल से दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 25%, ठीक है, यानी 25%।
नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक कब तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? यानी ईस्वी पूछी जाएगी आपसे कि किस ईस्वी तक, 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार कि इसके मुताबिक जो है भारत का उपभोक्ता बाजार जो होगा अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, नासा का वह उपग्रह जिसने हाल ही में पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की है, तो इसका नाम है टेस। ठीक है, नासा के किस उपग्रह ने खोजा है ये? टेस ने। और जो कि पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की है टेस ने। तो टेस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को और ये हर बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? कांग्रेस ने नियुक्त किया है महिला कांग्रेस के लिए पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव, तो ये किया है अप्सरा रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी का जो कार्यभार है वो किसे मिला है? यानी फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? तो अब है ये अजीत मोहन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय की मासिक पत्रिका जिसका हाल ही में विमोचन किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जल चर्चा। जल चर्चा के बारे में आपको जानना होगा, जल चर्चा किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? जल संसाधन मंत्रालय ने, और इसकी ये मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाशवाणी ने हाल ही में कितने वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय चैनल को बंद करने का निर्णय लिया है? 32 वर्षों से कार्यरत जो चैनल है आकाशवाणी, उसको जो है बंद करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के किस प्रेसिडेंट ने 1 फरवरी 2019 को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है जिम योंग किम। हालांकि इनका भी कार्यकाल जो है बाकी रह गया था, ठीक है, अभी सिर्फ इन्होंने ये 1 फरवरी से ये जो है अपना इस्तीफा दे देंगे, यानी इनका जो पद है वो पद से ये त्याग दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे, और अब ये फिर विश्व बैंक के प्रेसिडेंट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल बाकी है, फिर भी ये ऐसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जिसको IMF कहते हैं, इसकी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये संभाला है गीता गोपीनाथ ने। IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री तो ये है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है, अमेरिकन कांग्रेस की सदस्य बनने वाली पहली हिंदू कौन है? तो यह है तुलसी गबार्ड। ये काफ़ी चर्चा में रही है तुलसी गबार्ड, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिकन कांग्रेस की सदस्य बनने वाली पहली हिंदू कौन है? ठीक है, तो यह है तुलसी गबार्ड। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी टॉप क्वेश्चन, जो टॉप प्रश्न है वो यहाँ पर आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। मूल्य सिर्फ यहाँ पर ₹25 रखा गया है, जिसमें आपको 315 से के आसपास, लगभग 312 के आसपास क्वेश्चन हैं इसके अंदर, जो कि सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसको यहाँ पर PDF के रूप में आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने के लिए आपको इस वीडियो में जो टाइटल दिख रहा है नीचे, उस टाइटल पर आपको एक एरो बटन दिख रहा होगा, या फिर उस टाइटल पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर सभी लिंक्स होती हैं, आप उस लिंक के माध्यम से इन पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB कहते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कुमार राजेश चंद्रा को। कुमार राजेश चंद्रा अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के बाद संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया कि 10% का आरक्षण मिलेगा अब जनरल कैटेगरी के लोगों को, तो ये जो आरक्षण मिलने का जो आदेश दिया गया है, इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा, और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कितने पॉइंट का ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है? 70 पॉइंट का। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय ने इसको जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में के शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हैक कर
उसमें उसकी उत्पादकता और वृद्धि में जो है वो 40% का इजाफा किया है। तो वो किया है अमेरिका ने, तंबाकू के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो हैक करके उसमें उत्पादक क्षमता और जो उसकी वृद्धि है उसको 40% तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए कब तक की डेडलाइन निश्चित की है? तो मिशन गगनयान के लिए जो डेडलाइन है इसरो ने जो निश्चित की है दिसंबर 2021। अगला सवाल देखिए, पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन किस जगह पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगामी जब भी परीक्षा होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पहला राज्य जिसने भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो ये की है गुजरात ने। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण जिसकी बात केंद्र सरकार ने की थी, तो ये राज्य सरकार जो है गुजरात सबसे पहला राज्य हो गया है जिसने इस तरह के आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेडोनिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मैसेडोनिया का नाम बदलकर अब जो है क्या रखा गया है, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला दिवस क्या है? सेना दिवस। सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस देश ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को अब और रियायत नहीं दी जाएगी? तो ये कहा है अमेरिका ने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारे प्रश्न यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।